पांच बातें हैं अपने धर्म में, और ये पांच चीजें हमें एक विशेष बना देती हैं, हमारे अंदर अच्छी बातें सुनने की आदत हो, पहला। दूसरा है गाय के दो तीन अर्थ हैं। कैसे आए तुम पे इतने पैसे? गौ शब्द लिखा है, गौ का अर्थ भक्ति होता है, गौ का अर्थ इंद्रिय होता है, और गौ का अर्थ गौ माता भी होता है। तीन अर्थ तो मुझे सामान्य रूप से दिख ही रहे हैं। इंद्रियां अपने बस में हूं, इससे हमारा धर्म बलिष्ठ होता है, भक्ति के साथ जिए इससे हमारा धर्म बलिष्ठ होता है, और हम गौवंश की रक्षा करें, गाय की रक्षा करें, गाय को मरने न दें, गाय को कम न होने दें। अगली बात कही गई है यजन यज्ञ। यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं धुआं जहां तक पहुंचता है वहां तक सबका कल्याण होता है। हमारे वैदिक परंपराओं में ऋषि मुनि ऋषिकाएं पूर्व काल में बहुत यज्ञ करते थे। यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ से भगवान प्रकट होता है, चाहे वो राजा बलि का यज्ञ हो, चाहे वो महाराज दशरथ का यज्ञ हो। जहां जहां यज्ञ हुए वहां भगवान को आना ही पड़ा। घर घर में यजन स्थापित हो जाए, यज्ञ स्थापित हो जाए, 5-7-11 आहुतियां नित्य डले, घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष ही नहीं रहता। और मैं एक सूत्र और कहूंगा, दक्षिणा। दक्षिणा देने की भावना है। दक्षिणा उसे कहते हैं जिससे कुछ मिला है और उसके बदले में हमने कुछ दिया है। हम ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, गुरुजनों को दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद मिला। दक्षिणा में समर्पण भाव होता है। आइए, मैं थोड़ा सा वास्तु का कार्यक्रम मैंने 2-3 दिन पहले से शुरू किया है और मैं 5-7 मिनट आपके बीच में बैठूं। अभी मुझे थोड़ा ऑफिस में बैठना है, कुछ काम सुबह से ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा है। आप तुलसी वन आश्रम के ऐप को जरूर यूज किया करें, जो कि मेरे नाम से एप्लीकेशन आचार्य कौशिक महाराज, उसको आप डाउनलोड कर लें, जिसमें आगामी सभी कार्यक्रम, उससे आप वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं, आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों का पता लगता है। अपने अपने मोबाइल में उसे आप डाउनलोड कर लें। अभी कुछ ही दिनों में ऐसी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, जैसे आपने डोनेशन दिया, बैंक में आपने ट्रांसफ़र किया, पैसा ट्रांसफ़र हुआ और 1 सेकंड में उसकी रसीद आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुँच। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ से डाक भेजने में, इसको बंद करने के लिए जा रहे हैं, महीने में लाखों रुपये का नुकसान।